जानना है। नहीं रिग्रेशन तो है एक्स बार वाई बार, नहीं, ये तो बाईवेरिएट नॉर्मल का है कि ये कहना चाह रहे हो ना, अगर मान लो मैं ऐसा बोल देता हूँ एक्स वाई अगर बाईवेरिएट नॉर्मल है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो ऐसा है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ये ऐसे एक्स क्वेश्चन एन है चल वाई रहा है। एन, अगर ये आई आई डी बाईवेरिएट नॉर्मल है विथ पैरामीटर्स म्यू वन म्यू टू सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर रो, ठीक, देन देन जो एक्स बार वाई बार का डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो आता है बाई वेरिएट नॉर्मल, एक्स बार का मीन तो म्यू हो जाएगा म्यू वन, वाई बार का मीन हो जाएगा म्यू टू, एक्स बार का वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन, वाई बार का वेरिएंस होगा सिग्मा टू स्क्वायर बाई रो, सॉरी एन एन, और यहाँ आ जाएगा ये रो ही आ जाता है। तो ये बस बाइवेरिएट का केस में होगा, आगे कभी नहीं होगा। हाँ यहाँ पे होता है ये नॉर्मल में, जैसे इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, बहुत इजी है, जैसे कोवेरियंस बिटवीन एक्स बार वाई बार, तो इसको अगर लिखेंगे सो कोवेरियंस बिटवीन वन बाई एन समेसन एक्स आई वन बाई एन समेसन वाई आई, तो यहाँ से आप देखो वन बाई एन, पहले वन बाई एन बाहर कर लो तो वन बाई एन स्क्वायर आ जाएगा, कोवेरियंस समेसन एक्स आई एंड समेसन वाई आई, ये आ गया। अब ध्यान से देखो एक्स वन का वाई वन के साथ कोरिलेशन कोवेरियंस जो भी होगा रो सिग्मा वन सिग्मा टू है, एक्स वन का वाई वन के साथ, एक्स वन का वाई टू के साथ जीरो है क्योंकि वो आई आई डी था, आई आई डी सैंपल है, एक्स वन एक्स टू के साथ जीरो, एक्स वन एक्स थ्री के साथ जीरो, एक्स वन एक्स फोर के साथ कोवेरियंस जीरो है, यहाँ मेनली क्या बचेगा, हाँ एक्स वन वाई वन का एक आएगा फिर प्लस एक्स टू वाई टू का आएगा, तो यहाँ एन आ जाएगा एन रो सिग्मा वन सिग्मा टू, तो सिंप्लीफाई हो गया आ जाएगा रो रो सिग्मा वन सिग्मा टू बाई एन, ये आ जाएगा। सो मतलब ये हो गया कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एन आ गया, ये कोवेरियंस आया, अभी कोरिलेशन निकालेंगे तो कोवेरियंस है ना, वहां तो मैं कोरिलेशन लिख रहा था तो कोरिलेशन, ये तो कोवेरियंस हो गया ना, कोरिलेशन जो मैं लिख रहा था कोरिलेशन, सो वही चीज है कोवेरियंस एक्स बार वाई बार का आ गया, हाँ बस बस ठीक ठीक है ना, सिग्मा वन बाई रूट एन सिग्मा टू बाई सिग्मा वन स्क्वायर ना, सिग्मा वन बाई रूट एन सिग्मा टू बाई रूट एन कट के रो आ गया ना, तो ठीक है। हाँ नहीं यहाँ पे एक्स बार वाई बार कोरिलेशन नहीं, ये तो इन जनरल, यहाँ कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज किया है इसमें, हमने कहीं स्पेशल नॉर्मल की प्रॉपर्टी कहीं पे यूज किया है, कहीं नहीं यूज किया है, तो इन जनरल कहीं भी होगा, मतलब कोरिलेशन बिटवीन एक्स बार वाई बार कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई होगा अगर वो लेकिन एक्स वाई को इंडिपेंडेंट होना होगा ना, हाँ ये एक्स वाई इंडिपेंडेंट सैंपल है वाई किसी भी कॉन्टिन्यूस बाईवेरिएट कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से, चलो। तो ये होगा क्योंकि हमने यूज तो किया नहीं कहीं पे कि बाईवेरिएट नॉर्मल का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो इन जनरल कोई भी बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन तो कोरिलेशन इक्वल होगा, और कोवेरियंस का ये होगा कि कोवेरियंस ऑफ एक्स बार वाई बार दिस विल बी इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एन, जैसे वेरियंस में हो जाता है वेरियंस ऑफ एक्स बार इज वेरियंस ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा, हाँ ठीक है से वेरियंस अपॉन एन, यही है कोरिलेशन इक्वल होगा और कोवेरियंस में एन से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ।